अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ कि स्मार्ट वॉच सैमसंग और स्मार्ट वॉच एप्पल के स्टेप्स कैसे चेंज किए जाते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सैमसंग स्मार्ट वॉच का स्टेप कैसे चेंज किया जा सकता है। ये देखें, ये मेरे पास है, इसको यहां पर एक क्लिप है, ये क्लिप आप देख सकते होंगे। इसको मैं सिर्फ पीछे करूंगा थोड़ा सा और ये बाहर निकल आएगा ऐसे। और जब आपने नया इसमें एंटर करना है तो इसमें एक तरफ से ऐसे बिल्कुल छोटा सा सुराख है उसमें डाल के और इसको प्रेस करना है पीछे की तरफ ताकि वो एंटर हो जाए उसमें। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है समटाइम्स क्योंकि वो सुराख बहुत छोटा होने की वजह से फौरन नहीं जाता उसमें। तो आपने जब तक श्योर नहीं हो जाते कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गया है तब तक आपने उसको छोड़ना नहीं है। ये देखें जी, ये लग गया ऐसे। और उतारने का भी इसका सेम वे ही है। और अब चलते हैं हम एप्पल की तरफ। अच्छा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है चेंज करने का। इसकी बैक साइड पर एक छोटा सा ये क्लिप सा बना हुआ एक बटन, इसको हम प्रेस करेंगे और जिस साइड पर इसका ये डायल है उस तरफ हमने इसको बाहर की तरफ निकालना है ऐसे। इस तरफ दूसरी वाली साइड से ये बाहर नहीं निकलेगा। आपने ये बस ख्याल रखना है जिस तरफ इसका ये डायल है उस तरफ से हमने इसको बाहर की तरफ करना है। और ये ऐसे मैं बताता हूं आपको, जिस तरफ से आपने इसको बाहर निकाला उसी तरफ से ही आप इसको अंदर भी करेंगे। ये देखें। और ये एक और ज्यादा बताऊं आपको स्पेशली गर्ल्स के लिए कि ऐसे आप इसको दो डिफरेंट कलर्स के साथ भी यूज कर सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सबका, क्या मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊंगा फिर से, एक नया वीडियो का कॉन्सेप्ट नया नया लेके आऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।